हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज यहाँ पर मैं TS ग्रेवाल का पढ़ा रही हूँ अकाउंट्स क्लास 12th का, जिसके मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, जिसे हम करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अपनी स्क्रीन पर, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। ये दोनों पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है शेयरिंग वो 3:2 है। द कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिटेड बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 2021 को, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। मतलब ये जो दिया हुआ है ना दोनों का कैपिटल, इसमें से ये लोग ड्रॉइंग निकाल चुके हैं, उसके बाद का दिया हुआ है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट इतना दिया हुआ है 5 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना अलाउ होगा, 10% पर एनम के हिसाब से। अब हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, साथ ही साथ हमें PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड ये होती है कि सबसे पहले जनरल एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, उसके बाद PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद वर्किंग नोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। ओपनिंग कैपिटल पता होने के बाद हम PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और उसके बाद जनरल एंट्री पास करते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर खाली छोड़ देना है, उसके बाद PNL अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाकर छोड़ देना है, और फिर हमें वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी मेथड में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैपिटल दी कितनी है, पहले तो आप क्वेश्चन में ये देखिए कितनी कैपिटल दी हुई है। कैपिटल एट द एंड, कैपिटल कितनी दी हुई है, 5 लाख आशीष की और 6 लाख आकाश की, क्लियर। अब यहां पर जो ड्रॉइंग था उन्होंने ले लिया था ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो यदि आपने ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मेट देखा है तो आपको ड्राइंग को वापस ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कितनी ड्राइंग ऐड कर देंगे, ड्राइंग विच इज डेबिटेड। देखिए क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1,50,000 एंड 1 लाख, ठीक है। और फिर इनका कैलकुलेशन कर देंगे, 6,50,000 और 7 लाख। अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा वो ये इस ओपनिंग कैपिटल पर होगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पहले, आशीष की कितनी है, देखिए 6,50,000 और कितना परसेंट देना है, देखिए क्वेश्चन में देखिए बच्चों कितना परसेंट देना है, 10%। तो कितना आया, 65,000। किसकी आ गई, आशीष की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। एंड सेकंड है आकाश, आकाश का कितना है, 7 लाख। इसकी ओपनिंग, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई, 70,000। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख।
अब हम जब 5 लाख में से इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,65,000, ठीक है ना। अब बांटिए, कितने रेशों में बांटना है, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, 3:2 के रेशो में। तो आप जब आशीष और आकाश कैसे बांटेंगे, 3:6:5, 3/5, एंड सेकंड क्या है, 3:6:5, 2/5, कितना आया इसका, कितना आया आशीष का, निकाल के बताएं, 2,19, और इसका आया 1,46,000। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पे, कैसे करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले आप डेट डाल देंगे 31 मार्च। यहाँ पे क्या करेंगे, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष। कौन सी है ये, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, देखिए यहाँ पर दिया रहता है फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग होती है तो यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं आशीष कैपिटल अकाउंट, और यदि फिक्स्ड होती है तो क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट, तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितनी है दोनों देखिए, 65,000 और 70,000, और कितना हो गया, 1,35,000। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना था दोनों का, 2,19,000 और 1,46,000 और 3,65,000, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट। इस तरह से जनरल एंट्री इसमें कर देंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2021। नरेश हैड विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 2020, 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 2 लाख, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन करना हमें सब पड़ेगा। आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं करना है, इन्हें हमें वर्किंग नोट में करना है। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट करके, ऐसे लिखेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहला क्या वर्किंग नोट रहेगा, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन। कैसे करते हैं, आता है ना आप लोगों को, पर्टिकुलर्स, यहां पर कौन है, नरेश एंड सुकेश, ठीक है। अब कितनी है देखिए, क्वेश्चन में समझिए, जो कैपिटल दी है एंड में वो कितनी थी दोनों की, 31 मार्च 2021 को दोनों की कैपिटल थी 3 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, कितनी, 3 लाख नरेश की और 3 लाख सुकेश की, ठीक है। अब यहाँ पर ये पढ़िए, नरेश हैड विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 2020 एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नरेश में अगेंस्ट विड्रॉ अगेंस्ट
क्या कैपिटल कितना 50,000 और अगेंस्ट प्रॉफिट कितना, देखिए क्वेश्चन में 1,00,000। ठीक है, ये तो किसका हुआ, नरेश का हुआ, लेकिन सुकेश ने की भी ड्राइंग थी तो यहां पर सुकेश की ड्राइंग भी ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग सुकेश कितनी थी 1,00,000, और इनको ऐड करने के बाद यहां जो आएगी वो क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई 4,50,000 नरेश की और 4,00,000 सुकेश की। क्लियर हो गया, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ओपनिंग कैपिटल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। मैंने आई बटन में इसका वीडियो का लिंक भेज दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे दोनों का। ये सब हम कहाँ निकालते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है तो भैया हम क्यों बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका निकालेंगे, नरेश का, कितना होगा 4,50,000 का, देखिए कितना परसेंट दिया है 10%, तो कितना हुआ बच्चों 45,000। लेकिन 45,000 यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन क्या किया था, नरेश थे उन्होंने 50,000 रुपये का विड्रॉ कर लिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 50,000 है उनको भी 10% के हिसाब से, और कब किया था विड्रॉ, देखिए आप क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2020 को, तो 6 महीने के लिए उन्होंने विड्रॉ किया था, तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 2,500। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा किसका, नरेश का, 45,000 में से 2,500 माइनस करो 42,500, और ये इसी तरह से सुकेश का कर लेंगे, लेकिन सुकेश ने क्या किया था, अगेंस्ट कैपिटल नहीं निकाला था, तो वहां पर क्या करेंगे, जो 4,00,000 है उसका सिर्फ 10% लगाएंगे, तो कितना हो गया 40,000। तो कितनी कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, नरेश का हो गया 42,500 एंड सुकेश का हो गया 40,000। ठीक है, अब हमें जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये तीसरा पॉइंट। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, कितना आएगा इन दोनों को प्लस करने पे, 82,500 और कितना है प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 2,00,000, तो 2,00,000 में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, देखिए करके कितना प्रॉफिट आएगा, ये आएगा 117,500, और फिर इसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करना तो बच्चों बहुत ही इजी होता है, यहाँ पर लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट एंड टू दूसरे कौन है सुकेश अकाउंट, और क्या अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना किसके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या निकला था 42,500 इनका और 40,000 सुकेश का, 82,500। इस तरह से ये किसकी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट टू सुकेश अकाउंट, कितना था 117,500, बांट दो दोनों को आपस में आधा आधा, देखिए कितना आएगा 58,500
58750। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्वेश्चंस समझ में आते जाएंगे, कुछ भी उसमें टिपिकल नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इंटू अ पार्टनरशिप फर्म सप्लाई लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। द कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल इज 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन रेशो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 7,800। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो नेट प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 7,800, तो हम यहां पर नेट प्रॉफिट लिख देंगे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, तो यहां पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी, जय की। कितना भैया, कितना लगाया था उसने, 80,000 रुपये। तो 80,000 का कितना परसेंट है, 9%। तो 80,000 का जो 9% हुआ वो कितना आया, 7,200। क्लियर, और जो विजय था उसने कितना लगाया, देखिए क्वेश्चन में 50,000। अब 50,000 का जो 9% था वो कितना था, 4,500। इस तरह से कितना अमाउंट आ गया, 1,700। लेकिन ये क्या हो गया, जो प्रॉफिट है वो तो कम है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की स्थिति में क्या करते हैं, ये जो रेशो निकला था, कितना निकला था, हमने कितना निकाला था, जय का निकाला था हमने, कितना, 7,200 निकाला था ना, और विजय का हमने निकाला था 4,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था ना अभी हमने, तो इनका हम रेशो निकालेंगे, क्योंकि भैया हमारा जो अमाउंट है वो 11,700 बन रहा है और हमारे पास तो इतना प्रॉफिट ही नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्या ये प्रोविज़न कहता है कि जब प्रॉफिट होता है तो जो रेशो दिया होता है उसमें बढ़ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब लॉस होता है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो जय और विजय का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आता है उनका एक रेशो निकालते हैं। तो आप निकालिए 7:2:4500, कितना आएगा, 8:5। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 8:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट तो होना चाहिए ना जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। तो आप निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, जो 7,800 रुपये हैं जो ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप किस रेशो में कर देंगे, 8:5 के रेशो में। तो पहला कौन है अपने भैया, पहले भैया कौन है, जय। जय के लिए कितना निकलेगा, 7,800 का 8/13, और विजय के लिए कितना निकलेगा, 7,800 का 5/13। निकालिए, करिए, चलिए कैलकुलेशन, 4,800 and 3,000 हो गया, जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गया ना। तो यहाँ पर अब हम कितना जय को देंगे, 4,800,
और विजय को कितना देंगे 3,000। तो यहाँ पर ये बराबर आ गया, जितना प्रॉफिट था उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो गया और इनको इक्वल कर देंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम रूल्स भूल जाते हैं, तो जब हम क्वेश्चन सामने आता है तब हमें वो रूल याद आ जाता है और उसके हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, जो कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं हम, उसका जो रेशो निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसके हिसाब से प्रॉफिट में दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।